जी मैंने 1999 से यह कार्य शुरू किया था जी और वर्ष 2007 में मुझे सब में पूर्ण सफलता मिली। सबसे बेस्ट रिजल्ट सीडलिंग पे है, परंतु अन्ना थोड़ा हरा रहता है और डॉट सॉर्ट गोल्डन पीला होता है जी, पीला रंग का होता है। नमस्कार दोस्तों, ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार और आज हम पहुंचे हैं हिमाचल, जहां पे हरमन शर्मा जी हैं, वो हमारे साथ बैठे हुए हैं। उनसे आपको सेब के बारे में जो इन्होंने वैरायटी तैयार की है उसकी पूरी जानकारी देंगे और कौन सी वैरायटी है और उसको किस तरीके से लगाते हैं, संपूर्ण जानकारी जो आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो आपका हमारी जो यूट्यूब चैनल है वहाँ स्वागत है जी। नमस्कार जी। तो सबसे पहले तो आपको नाम की तो मोहताज है नहीं, क्योंकि प्रत्येक जुबान पे जहाँ गर्म इलाका है हमारा, वहाँ पे आपका पूरा जो नाम है हरमन शर्मा वो गूंज रहा है हमारे पूरे हरियाणा राजस्थान जो मेरे टच का एरिया है। जी 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 तो नाम को तो बताने की जरूरत नहीं है। तो ये आप ये बताइए कि आपने ये वैरायटी कब तैयार की थी और इसका खासियत क्या है? हमारे यहाँ आम्ब बहुल्य क्षेत्र है, परंतु आम्ब पर अत्यधिक मात्रा में कोहरा पड़ा 1990 से 1995 तक, इसलिए मैंने सेब को विकल्प के रूप में चुना। मैंने पहले 20 से एक पौधा तैयार किया जी, और उस पर पहले पल्लम पे उसको ग्राफ्टिंग किया, पल्लम पे, हाँ पल्लम पे। और जब पता लगा कि सेब पर सेब की ग्राफ्टिंग होती है तो मैं शिमला से कुछ पौधे लाया और मैंने उस पर उनको ग्राफ्टिंग की। मैंने 1999 से यह कार्य शुरू किया था और वर्ष 2007 में मुझे सब में पूर्ण सफलता मिली। और इसके बाद में आपने लगातार प्रयास किया और अलग अलग जो बीजू पौधा है, फिर सीडलिंग है, फिर आपने टिश्यू कल्चर पे भी इस पे काम किया, तो जी सबसे बेस्ट रिजल्ट है वो किस पे रहा? सबसे बेस्ट रिजल्ट सीडलिंग पे है, सीडलिंग पे क्योंकि सबसे जो टिश्यू कल्चर का पौधा है उसकी जड़ें कमजोर होती हैं, ऊपरी होती हैं, मेन रूट नहीं होती और वह तूफान और हवा सहन नहीं करता जी। वो गिर और जाते बीज वाला पौधा जो है इसकी मेन रूट भी होती है जी, और यह काफी हद तक तूफान और सूखा सहन कर लेता है जी जी तो जिन किसानों को पौधे चाहिए वो हमारी नर्सरी ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी जो स्क्रीन पे नंबर दे रहा है यहाँ पे संपर्क कर सकता है। और सबसे पहले पता कर ले कि वहाँ पे कोरियर की सुविधा है, जहाँ आप जो एड्रेस दे रहे हैं तो वहाँ पे आप हमें ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा सकते हो। नवंबर, दिसंबर, जनवरी और 15 फरवरी तक हम ऑनलाइन डिलीवरी करेंगे। तो आपको अगर सेब के पौधे चाहिए तो आप हमसे मंगवा सकते हो। हम हरमन शर्मा जी से यहाँ से पौधे जो आप लेके जा रहे हैं ये पौधे ही आपको हम देंगे जेन्युइन। तो अगर आपको देसी सेब के पौधे चाहिए तो वो भी हमारे पास उपलब्ध हैं, तो वो भी अब हमसे प्राप्त है वो कर सकते हैं। देसी सेब के पौधे और ग्राफ्टेड पौधे भी हमारे पास उपलब्ध हैं, तो आप किसी भी टाइम हमसे संपर्क कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब जानिए हरमन शर्मा से अगली जानकारी। बात और बता दूँ, बहुत से ऐसे किसान भी हैं जिनके यहाँ फ्लिपकार्ट और अमेजोन के कोरियर आते हैं, तो वो चीज़ अलग होती है लेकिन जी, कोरियर पहुंचना एक अलग बात। हाँ, वो कहते हैं कि इसमें हमारे यहाँ प्रॉब्लम कोरियर आता आती है। है, हाँ जी, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ कोरियर आता है, लेकिन जो फ्लिपकार्ट अमेजोन ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं ये कोरियर पहुंचाती हैं, वहाँ DTDC या कोरियर वाले अपना कोरियर नहीं भेज पाते जो गांव के एरिया है। हाँ, बहुत नहीं जाता है। तो एक बार आप जब भी, या तो आप एड्रेस ऐसा दीजिए जो शहर का ऑर्डर हो, हाँ नजदीक कोई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तहसील हेडक्वार्टर जी, तो तहसील हेडक्वार्टर हो वहाँ से आप अपने को रिलेटिव का या ऐसा एड्रेस दे दीजिए, वहाँ पे इजीली जो आपके प्लांट है वो पहुँच जाए। और मुझे इसके लिए अब तक 18 राष्ट्रीय अवार्ड, 15 राज्य स्तरीय व 3 अन्य अवार्ड मिल चुके हैं जी। जी 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 तो अभी जो अपने पास एक तो सेब की अपने वैरायटी तैयार की हरमन 99 जी, इस नाम से दिया है जी जी, और अभी दो वैरायटियां और बता रहे हैं क्या वो भी? अन्ना डॉर्सेट गोल्डन जी, वो फ्रांस से, जब हिमाचल में धूमल जी की सरकार थी जी जी, तो उनके माध्यम से हमने मंगवाया था जी, जी। परंतु अन्ना थोड़ा हरा रहता है और डॉर्सेट गोल्डन पीला होता है जी, पीला रंग का होता है, पीला रंग का होता है जी, और साइज में गोल होता है, लंबा नहीं होता जी, गोल होता है। हाँ बिल्कुल और गोल ये होता है अपना हरमन जो आपने, ये ऊपर से चौड़ा और नीचे से लंबा, जैसे आम सेब होता है, सेब होता है वैसे होता है जी जी जी। रंग इसका कैसा आता है? रंग इसका बिल्कुल लाल आता है, बीच में पीले येलो ब्रश आता है जी, येलो ब्रश, हाँ मिक्स होता है, मिक्स। तो ये बताइए जो अपने जो सेब की वैरायटी तैयार की है ये जी, जो सीडलिंग पे जी जब हम पौधा लगाते हैं, आपने बताया सबसे बेस्ट है वो सीडलिंग पे रहता है। हाँ जी, हाँ जी। तो कितने टाइम में फ्रूटिंग देना शुरू कर देता ये है? 3 साल बाद सैंपल देता है जो सीडलिंग वाला है जी, 3 साल बाद में अपने को सैंपल सैंपल देगा जी, सैंपल देगा। हाँ, कोई हाँ ये कहता है कि भी अगले साल फ्रूट आ जाएगा या दूसरे साल? नहीं, ये सब झूठ है, जो कि बोल रहे हैं कि 13 महीने में फल दे देगा, कोई बोल रहे हैं गमलों में हो जाएगा, तो ये बड़ा पौधा होता है, गमलों में होने वाला पौधा नहीं। मतलब जो देखने वाले इस चीज को, ये हरमन शर्मा जी खुद बता रहे हैं कि ये गमलों में भी नहीं होगा और दूसरी साल भी फल नहीं आएगा, नहीं आएगा। तीसरी नहीं साल आएगा। अगर आपको सही पौधा, अगर मिच्योर फल चाहिए तीसरी साल आएगा।
तो जो किसान है लगाने वाले हैं उसको लगाने का तरीका क्या अपनाएं और कितनी दूरी से इस पौधे को लगाएं? इसको मिनिमम कम से कम 10-12 फुट लाइन टू लाइन और प्लांट्स टू प्लांट्स लगाना चाहिए, जी और इसको लगाना दिसंबर जनवरी महीने में चलाइए चाहिए जी। दिसंबर और जनवरी के महीने जी में जी इसको जी लगाना है। जी तो इसको कितना टेम्परेचर डाउन यानी कम कितना टेम्परेचर और ज़्यादा कितना टेम्परेचर तक सहन कर ज़्यादा सकता तो है? ये 0 तक सहन कर जाता है कम, परंतु जी ज़्यादा है 45 तक सहन कर जाता है, 45 तक क्योंकि है 45 टेम्परेचर जो है जी। तो हमारे भी यहाँ भी आता है, परंतु वो सिर्फ जून में 5-7 दिन होता है, उसके हाँ बाद जो बारिश आ लूए जाती है। चलती हैं हमारे हरियाणा और हाँ राजस्थान में लूए बोलते हैं, जिस गर्म हाँ हवाएं नहीं यहाँ चलती नहीं हैं, चलती लू जी। आपके इधर तो नहीं चलती, हाँ पहाड़ी यहाँ एरिया जंगल में काफ़ी है जी। जी। तो ये बताइए जो लगाने वाले किसान हैं वो इसकी खेती लंबे एरिया में करें जैसे 1 एकड़ 2 एकड़ में करें, क्योंकि हमारे उधर जमीन लोगों के पास काफ़ी है, वो मेरे पास भी कॉल आते हैं कि जी हमें जी जी 1 एकड़ में हमें सेब का बाग लगाना है, जी 2 एकड़ में लगाना, 5 एकड़ में। तो क्या उस स्तर से भी खेती कर सकते हैं या एक बार कम करके देखें वो? मैंने जहाँ इसका मतलब स्वयं प्रैक्टिकल प्रयोग करके देखा, जी तो मैं तो लोगों को सुझाव देता हूँ, क्योंकि हर मिट्टी में जी हर स्टेट में अलग अलग परिणाम आ रहे हैं, जी तो मेरे लोगों को ये सुझाव है पहले 10-20 पौधों पर इसकी शुरुआत की जाए, जी फिर अपनी भूमि में जी ऐसा देखा जाए कि किस तरह का मतलब फल फूल रहा है, उसके बाद लार्ज स्केल में इसको लगाया जाए। लंबे मतलब आपने ये जी नहीं कि डायरेक्ट 1 एकड़ में नहीं लगा दिया नहीं उससे नहीं जमींदार को नहीं परेशानी पहले है, 10-20 पौधों पर ट्रायल करो, मैं सभी किसानों को यही सुझाव देता हूँ जी। मतलब 3 साल हमें वेट करना पड़ेगा जी 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 प्रॉपर जी हमें रिजल्ट चढ़ने के लिए। हाँ 3 साल ये वेट नहीं कि करना, अब लगाया तो फूल तो अगले साल भी उठा देता है फूल पौधे उठा लेता है जी। लेकिन वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं नहीं हो अगर पाता। उसमें फूल पे फल लेंगे 2-4 जी तो वेजिटेरियन ग्रोथ रुक जाएगी पौधे की। पौधा ग्रोथ नहीं कर पाएगा, वो हाँ वहीं रुक का वहीं जाएगा रुका रुक जाएगा रहेगा। रुक जाएगा। तो मैंने आपसे पिछली बार भी सीडलिंग पहले मैं लेके गया था और टिश्यू जी कल्चर भी लिया था, जी लेकिन मुझे एक चीज़ देखने में आई जो टिश्यू तो मुझे एक चीज़ देखने में आई जो टिश्यू कल्चर पौधा आपसे लिया था मैंने, जी जी उसकी ग्रोथ बड़ी फास्ट है जी जी और जी पौधा बहुत सुंदर है वो जी हाँ छोटा रहता है जी। और भरा भरा पौधा रहता है वो सीडलिंग की बजाय हाँ हाँ छोटा रहता है, सीडलिंग वाला बहुत मतलब लंबा चला जाता है लंबा जी, चला जाता है, वो फिर सीधा चलता है और फिर टिश्यू उसको कल्चर वाला पहले। प्रूनिंग प्रूनिंग करना पड़ती है, तभी ये बनाया जा सकता है जी। तो इस जो वैरायटी है हरमन शर्मा जो 99 है, जी इसकी प्रूनिंग सीडलिंग पे कब की जाती है और दिसंबर में दोनों में जी, दोनों में दिसंबर में की दिसंबर जाएगी में दिसंबर और में पहली साल भी प्रूनिंग करनी पड़ेगी या जी जी फिर जी पहले साल से जी। पहले साल से प्रूनिंग होएगी हाँ जी हाँ जी और दूसरी साल तीसरे साल इसको प्रूनिंग हम जिस तरीके से करेंगे वैसे हमें फ्रूट देता रहेगा। देता हाँ जी हाँ रहेगा? जी क्या बगैर प्रूनिंग पे ये फ्रूट दे नहीं सकता है? बगैर प्रूनिंग के फ्रूट देगा, क्योंकि इसका जो फ्रूट होगा वो चोटियों में चला जाएगा, पौधे की टहनियाँ 8-10-10 फुट लंबी हो जाएंगी, 20-25-25 फुट, जी और टॉप में फल लगेगा जो हवा से गिर जाएगा, इसलिए प्रूनिंग करना बड़ा ज़रूरी है, और प्रूनिंग से ही बीमे बनते हैं फल वाले। जी जी हाँ पल्लव में जैसे ब्लैक अंबर है, जी आड़ू में नेक्ट्रिन है, और खुमानी है, खुमानी भी हमारे यहाँ अच्छी हो जाती है, जी और वो अप्रैल में आ जाती है, जो हमारे यहाँ बिलासपुर में खुमानी लगती अच्छा, है। खुमानी और एक एप्रिकोट जो चीज़ है वो अपने पास इधर है या नहीं है? एप्रिकोट मैंने नाम सुना था, फ्रूट एप्रिकोट खुमानी को ही बोलते हैं जी। खुमानी को ही बोलते हैं ना, जी जी तो जी ये जो किसान हैं उनको ये ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं है कि एप्रिकोट और खुमानी दोनों एक ही चीज़ हैं, तो उसका क्या रिजल्ट है जो हमारे गर्म इलाका हरियाणा राजस्थान वहाँ पर भी चल सकता यहाँ है हो फ्रूट? सकती है वैसे जी, क्योंकि जब हमारे यहाँ हो जा रही है, जी और जो ऊपर की खुमानी है जी वो जुलाई में पकती है, जी जबकि हमारे यहाँ जो खुमानी है वो अप्रैल में निकल जाती है। अप्रैल में निकल जाती है। हाँ जी हाँ जी तो पौधे लगने के कितने टाइम बाद ये 2 साल बाद फल दे देती है जी, 2 साल बाद दो साल निकल बाद सैंपल दे देती है। आड़ू नेक्ट्रिन भी 2 साल बाद फल दे देता है जी, आड़ू, उस आड़ू की खासियत क्या है जो उसमें आपने? कांटे नहीं होते, वो पल्लम की तरह होता है, जी होगा आड़ू जी, परंतु कांटे नहीं होते उसमें बिल्कुल ऊपर। चिकना शेप में हाँ, होएगा चिपना और से साइज क्या रहता है और उसका? लाल होता है बिल्कुल जी, 100-150 ग्राम तक जाता सौ है। डेढ़ सौ ग्राम तक हाँ जाता चला है। जाता है। और एक ब्लैक एम्बर भी आपने बताया हाँ पल्लम जी प्लम, उसका क्या वो रिजल्ट है? हॉर्टिकल्चर रिसर्च स्टेशन वालों ने तैयार की है कुल्लू से बजौरा से, जी वो बड़ी अच्छी है, उसकी सेल्फ लाइफ जो है तो 10-12 दिन है जी। 10-12 दिन वो ठहर हाँ सकता है। टिक जाता है जी, जबकि सेंटर जब में इतनी सहनशीलता नहीं थी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे हम कि इसकी प्रूनिंग किस तरीके से होती है, पौधे पैकिंग किस तरीके से होते हैं, वो सारी जानकारी देंगे। तो आप हमारे चैनल पे बने रहें और जल्दी हम एक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उसमें आपको सारी डिटेल पौधे लगे हुए कैसे हैं, क्योंकि आज हम यहाँ पे करीबन 7 बज चुके हैं शाम के, तो अब नहीं दिखा पा रहे हैं, रात को भी हम वीडियो शूट कर रहे हैं। तो 2 दिन बाद में हम फिर यहाँ पे आएंगे और दिन का जो यहाँ का पूरा बगीचा है वो आपको दिखाएंगे, पैकिंग किस तरीके से होती है, कैसे फ्रूट लगते हैं, कैसे प्रूनिंग की जाती है, वो सारी जानकारी देंगे। तो हरमन शर्मा जी आपका बहुत 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 धन्यवाद। नमस्कार जी।